तो फ्रेंड जैसे आप लोग ना वॉइस टाइपिंग करना खोलते हैं, वॉइस सेशन पे टच करते हैं, माइक आपको देखने को मिलता है नो परमिशन टू अनेबल वॉइस टाइपिंग आप स्क्रीन पर देख पर, जैसे आप माइक सेशन पे टच करते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर आपको इस प्रॉब्लम देखने को मिल जाए और आपको वॉइस टाइपिंग नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में आप लोग बताए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, इस वीडियो में आपको लाइव पर आपको ठीक करके दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सिंपली आप क्या करना, सबसे पहले आपको फोन को जो सेटिंग है, सिंपली आपको फोन को सेटिंग को ओपन करना, कोई भी आपके पास डिवाइस हो सिंपली आपको फोन को सेटिंग को ओपन कर, जैसे ओपन कर लो तो आपने आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप सिंपली लॉक को खोलते हैं फोन में, लॉक हम लॉक को खोल लेते हैं। लॉक को खोलने के बाद दोस्तों आप क्या करना, आप लोग को दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलता है फ्रेंड, आप लोग देख पा रहे हैं नीचे आप लोग देखने को मिलता है फ्रेंड। आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप लोग देखने को मिलता है कि आप ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप स्क्रीन पर देख पाए, आपको ऐप का ऑप्शन देखने को, या आपको मैनेजमेंट ऐप भी देखने को मिल सकता है। सिंपली ऐप सेशन पे टच करना, आप लोग को मैनेज ऐप देखने को मिलता है दो दो सेशन पे। सिंपली इस पर आप लोग को टच, जिस पर आप लोग को टच करें आपको सर्च आइकन देखने को मिलता है। सिंपली आप क्या करना, आपको सर्च आइकन पे थ्री डॉट आइकन पे टच करना, शो ऑल ऐप करना, आपको शो ऑल ऐप करना, सो ऑल्व करने से सर्च सेशन पर टच करना, आपको सिंपली सर्च करना कीबोर्ड, आप स्क्रीन पर कीबोर्ड से सर्च करना, आप देखने मिल रहा है मिंट कीबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। सिंपली इस पर आप लोग को टच करना, जिस पर आप लोग टच करें तो इस कॉर्डर का नीचे आपको देखने को मिलता है ऐप परमिशन, इस पर आप लोग को टच करना और यहाँ सबसे पहले आपको बारीकी से आपको परमिशन को देना, आप स्क्रीन पर माइक्रोफोन का देना है, आपको अलाउ कर देना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग को फाइल का भी देना, फाइल मीडिया का भी देना है, देने के बाद नीचे देना आपको माइक्रोफोन का भी देना है, आप लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम दे जो कॉन्टैक्ट का भी देना, देने के बाद आपको बैक, जैसे आप बैक आ जाएंगे आपका प्रॉब्लम जस्ट ही खत्म है। प्रॉब्लम आपको देखने को आपको लाइव प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं, यहाँ से बैक आके दोस्तों आप लोग को हम दिखा रहे हैं। सिंपली हम नेट को चालू करते हैं, नेट को चालू करने के बाद अपना व्हाट्सअप को ओपन कर लेते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिंपली अपना व्हाट्सअप को ओपन करें, यहाँ आपको टच करने का हम कुछ भी बोलते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे हम कुछ भी बोलेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक ये लिखा जाएगा, जैसे हेलो दोस्त, तो मेरा हेलो दोस्त लिखा गया आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। या किसी को हम सेंड में से सेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई भी आपको डिवाइस हो, रेडमी रियलमी ओप्पो वीवो सैमसंग कोई फोन हो तो वो इस तरह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपको चुटकियों से जर से खत्म हो जाएगा। तो फिर इस वीडियो पर आप देख लेकर तो आई होप आपको हेल्पफुल लगा, तो मैं सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इस तरह पर होते रहता है।